conveyors load a ground bunker each at a rate of 400 ton per hour, which is initially filled with 10,000 ton of coal. Coal is discharged from bottom of the ground bunker onto a belt conveyor at a rate of 1200 ton per hour. The time elapsed in hours before the bottom conveyor start to operate below its rated capacity is. ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. दो बेल्ट कन्वेयर यानी बेल्ट कन्वेयर 1 और बेल्ट कन्वेयर 2 दोनों का कैपेसिटी 400 टन पर आवर है, ग्राउंड बंकर पे लोड कर रहा है. यानी ग्राउंड बंकर पे टोटल लोड 800 टन पर आवर आ रहा है, जबकि ग्राउंड बंकर के बॉटम से कोल डिस्चार्ज हो रहा है 1200 टन पर आवर. यानी ग्राउंड बंकर में 800 टन कोल पर आवर लोड हो रहा है तो 1200 टन कोल पर आवर डिस्चार्ज हो रहा है. यानी नेट डिस्चार्ज इज इक्वल टू 1200 माइनस 800 इज इक्वल टू 400 टन पर आवर. बंकर में 10,000 टन कोयला पहले से था, यानी 10,000 टन कोल को डिस्चार्ज होने में लगने वाला समय इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई 400. सो द टाइम इलेप्स्ड बिफोर द बॉटम कन्वेयर स्टार्ट्स टू ऑपरेट बिलो इट्स रेटेड कैपेसिटी इज इक्वल टू 25 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए कोल हैंडलिंग प्लांट वेगन्स ऑफ 8 मीटर लेंथ आर लोडेड एट रेक ट्रेवल स्पीड ऑफ 0.48 किलोमीटर पर आवर. द सूट लोडिंग रेट इज 6,000 टन्स पर आवर. इज द रेक मूव्स कंटिन्यूसली, द सूट स्टॉप्स फॉर टोटल 24 सेकेंड इन बिटवीन टू वेगन्स. द टोटल क्वान्टिटी ऑफ कोल इन टन लोडेड इन इच वेगन इज. तो ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ वेगन कितना दिया है 8 मीटर, सूट लोडिंग रेट कितना दिया है 6,000 टन पर आवर. 6,000 टन पर आवर को अगर टन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 6,000 डिवाइडेड बाय 3600. यानी सूट लोडिंग रेट इज इक्वल टू 1.67 टन पर सेकंड. रेक ट्रेवल स्पीड क्या दिया है 0.48 किलोमीटर पर आवर. यदि आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये होगा 0.133 मीटर पर सेकंड. सूट स्टॉपिंग टाइम बिटवीन टू वेगन्स इज इक्वल टू 24 सेकंड. लोडिंग टाइम ऑफ इच वेगन्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेगन्स डिवाइडेड बाई रेक स्पीड माइनस सूट्स स्टॉपिंग टाइम. यानी 8 डिवाइडेड बाई 0.133 माइनस 24 इज इक्वल टू 60 माइनस 24 इज इक्वल टू 36 सेकेंड. यानी हर एक वेगन को लोड होने में 36 सेकेंड लग रहा है, जबकि सूट लोडिंग रेट 1.67 टन पर सेकेंड है. देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ कोल लोडेड इन इच वेगन इज इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 36 इज इक्वल टू 60 टन. So the right answer is B. तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. The RMS torque of 3.8 meter diameter winder is 109 kilo newton meter. If the rope speed is 7.6 meter per second, the motor power required to run winder is. क्वेश्चन में टॉर्क इज इक्वल टू दिया 109 किलो न्यूटन मीटर, ड्रम डायमीटर दिया 3.8 मीटर यानी रेडियस हो जाएगा 1.9 मीटर, रोप स्पीड दिया है 7.6 मीटर पर सेकेंड. हमें पता है पावर इज इक्वल टू होता है एफ मल्टीप्लाइड बाई वी, बट ड्रम वाइंडर के केस में फोर्स इक्वल टू होगा रोप टेंशन के, यानी पावर इज इक्वल टू होगा रोप टेंशन मल्टीप्लाइड बाई रोप वेलोसिटी. जहां हमें वेलोसिटी तो पता है बट रोप टेंशन नहीं पता, बट हमें यह पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है रेडियस क्रॉस रोप टेंशन. यहां से रोप टेंशन आ जाएगा टॉर्क डिवाइडेड बाई ड्रम रेडियस. अब इसे यदि पावर के फॉर्मूले में रखते हैं तो पावर इज इक्वल टू आ जाएगा टाउ डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई वी. तो जब आप सारे वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे तो पावर इज इक्वल टू आएगा 436 किलोवाट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर माइनिंग रिलेटेड वीडियोज.